मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे व्लॉग में। सबसे पहले मैं फैन ऑफ करके आती हूँ तो सैम ने मेरा गला घूट देना है। अभी नहीं घूटना, अच्छी हिंदी बोली, पता नहीं मैंने बोल दी। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, मैं खुशी रहती हूँ जैसे आप सभी को पता। दबा देना होता है, सैम उठ गए आज जल्दी क्योंकि मम्मा ठीक नहीं है तो मम्मा की मेडिसिन लेकर आनी है। वैसे तो थोड़ा लेट ही जाना है लेकिन ये उठ गए बेचारे। मसी बोल सकती हूँ, मसी एक घंटा सोए हैं और क्या यार। हाँ। रात इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा था तो ये सिर्फ एक घंटे ये क्योंकि हमारे बारिश बहुत हो रही थी। ये सुबह 7 बजे उठे और 7 बजे सोए थे और 8 बजे उठ भी गए जब मेरे दूध लेने का टाइम होता है। तो मैं 8 बजे हम उठ गए, अभी 8:30 हुए मे भी। तो अभी मुझे सुबह सुबह मेरा मन कर रहा है कि मैं परौंठे खाऊं, ठीक है। और मेरा सैम को बिल्कुल कहने को मन नहीं कर रहा और मैं बहुत एक्टिव लग रही हूँ कि हाँ मैं बना सकती हूँ खुद ही। तो मैं खुद 4 परौंठे सैम को भी बनाकर कराऊंगा और सुबह दे रहती हूँ तो मैं खुद भी खाती हूँ। तो अभी मैंने बर्तन वगैरह साफ कर नहीं सारे नहीं किए, थोड़े जो मेन बर्तन होते हैं वो साफ कर मैं आ गई हूँ। आटा मैंने बाहर निकाल कर रख दिया, उसको 5 मिनट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा बाहर। तो अब हम जाएंगे सीधे सीधे परांठे बनाने। परांठे के साथ कोई सब्जी नहीं होगी, सिर्फ अचार होगा। मेरा मन कर रहा था पहले कि मैं चीज वाले परांठे बनाऊं बट सैम ने बोला बिल्कुल नहीं क्योंकि तुम पता नहीं क्या कर देगी। फिर मैंने बोला प्याज वाले खा लिया, कहते नहीं बिल्कुल नहीं। तो सिंपल पराठे बनेंगे अचार के साथ। चलो गाइस चलते हैं रेसिपी पर। रख लिया तवा, यहाँ है घी, इसमें है आटा ये, और ये भी मैंने निकाल लिया है। बेबू बना रही है परांठा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बना रहा तुमने, तो मैंने खा लिया है। परांठे अच्छे बनते, रोटी भी अच्छी बनती। वो भी अच्छी बन जाएगी कई बार, बट अभी नहीं, बेबी के बाद। ओके, आज मौसम बहुत अच्छा है, दिखाओ सभी को मौसम। मैं दिखाता हूँ, बताइए को बोलो अच्छे से करने के बाद। देखो मौसम आज मस्त है यार, आज नहीं गर्मी लगेगी बिल्कुल। उन्होंने अभी ले आई अपने लिए भी बना के, उन्होंने खा लो जल्दी जल्दी से बेटा, तुमको भूख लगी होगी। थैंक यू सो मच, वेलकम, लव यू। छोरा ने अभी ये मंगवाया मेरे से चने, अभी इससे खाएगी ये। चलो गाइस अब मेरे को जाना पड़ेगा, वैसे मैं ना चेयर पे बैठा बैठा सो गया यार, बहुत नींद आई हुई है मेरे को, पर जाना पड़ेगा, मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, जाना पड़ेगा, जाओ। मैं आता हूँ, तुम क्या करने लगी थी? मैं तो सफाई करने लगी थी। चलो कर लो फिर सफाई, मैं जाके आता हूँ। ठीक है जाओ। वैसे तुमने वीडियो बनानी है तो बना लेना। कौन सी वीडियो? व्लॉग बनाना हो घर पे? हाँ बना लूंगी, फोन छोड़ जाऊं घर में, दूसरा ले जाओ, उस पर है ना रिचार्ज किया हुआ ना अपने। चलो ठीक है छोड़ दूंगा, व्लॉग बना लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। इधर आओ, तुमको एक चीज दिखानी है। आती हूं आती हूं, मैं तो दोनों छोड़ दूंगा। आ जाओ जल्दी आओ। ये क्या घी, कौन सा करिश्मा हो गया यार, एकदम अच्छे से धुल गई हमारी गाड़ी, कल तक पूरी गंदी थी अभी एकदम से साफ है। कमाल ही हो गया, और क्या मेरे पैसे बच गए गाड़ी चलाने के, कमाल हो गया ना। जो ना गंदी है, नहीं नहीं पागल, थोड़ी थोड़ी है, कपड़ा मारूंगा साफ हो जाएगी। इसको अभी मैं ऐसे बाय बोलता हूँ, फिर ना मैं गाड़ी निकालने लगा हूँ, मैं चलता हूँ। जी सैम तो चले गए, सो अभी मैं नहा धो लूँ क्योंकि सैम तो चले गए हैं। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि मौसम बहुत सेक्सी बोल देती, मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, मौसम बड़ा अच्छा था। रात के टाइम की बारिश हुई थी, ठंडा ठंडा है। नहाती हूँ और तैयार होती हूँ, क्या पता आज वैसे हमने सोचा था कि मूवी देखने जाएंगे बट अभी कोई प्लान नहीं है। और मेरी मेडिसिन भी लेकर आनी थी क्योंकि एक बजने वाला है मे बी, है ना, तो सैम आएंगे, उन्होंने सोना भी है, कुछ पक्का पता नहीं है अभी। फिर मैंने सोचा कि मैं घर पर ही फिल्म देखती हूँ, मैं फिल्म अभी देखने जा रही हूँ। RRR नेटफ्लिक्स पर आ गई है, जिसको नहीं पता जाकर नेटफ्लिक्स पर देखो और मुझे भी करने दो एंजॉय। अभी मैं बनाकर लेकर आई हूँ मैक्रोनी गरम गरम। अभी रेसिपी दिखानी थी लेकिन गर्मी बहुत है किचन में, तो मैंने तो जल्दी जल्दी बनानी थी, अभी मेरे को भूख बहुत लगी हुई है, खाकर ही मिलती हूँ। तो मैक्रोनी तो बहुत ज्यादा टेस्टी थी, और वैसे मेरी हालत देख के आपको पता होगा कि मैंने अभी तक नहाया नहीं है और सैम आ गए थे, सैम आकर लेट गए हैं, सो गए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। ये तो आराम से सो रहे हैं,
तो मैं देख रही थी आरआर मूवी, हाफ में ही रह गई। हाफ में ऐसे है कि अच्छी है, जितनी भी गई देखी हाफ देखी है। मैं कुछ बताना नहीं चाहती, आप खुद देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी आधी कंप्लीट हो गई थी, आधी रहती है क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी थी, मैं तो मैं मैक्रोनी बनाने लग पड़ी, तो नहाना तो बीच में ही रह गया। तो अभी जो मूवी मेरी रहती है उसको सबसे पहले मैं कम्प्लीट करूँ, उसके बाद देखती हूँ, नहाने का सोचती हूँ। सब खा रहे हैं वाटरमेलन, सॉरी मैंने फिर से दोबारा बोलने लगी। सैम बैठा है, परी भी खाने में मस्त बिजी है, देते हैं, रुक जा। लाइट है बहुत ज़्यादा कम क्योंकि मेरे लाइट कर दी है ऑफ, क्योंकि अभी मैं सफाई कर कर, क्योंकि हमारे रूम में बहुत गंद मचा हुआ है, तो सफाई कर कर मैं मिलती हूँ। कैसे हो आप सभी, मैं सुबह से आपको नजर ही नहीं आया होगा, मैंने खा पी के पता नहीं, आज मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, तो फिर मैं कितने बजे सोया, 2 बजे सोया, जाके 2 बजे सोया, फिर मैं जाके शाम को 7 बजे उठा, फिर उठ के मैंने नहाया धोया और अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ दूसरा। और मेरे से ना कांड हो गया है, आज स्मेल सी बड़ी गंदी सी आ रही है, फिर से उन्होंने खोला ना उसको बकेट को, मैंने साफ भी कर दी बकेट, तो फिर स्मेल किस चीज की है, वो थोड़ी थोड़ी आएगी, वो अच्छे से साफ करके रखा है। चीज किसकी चीज की स्मेल थी पता लगा, कुछ मरा था बीच में, मरा थोड़ी था, आम पापड़ गलकर वो उसका पानी निकल गया था। ओ अच्छा, मुझे पता नहीं था फ्रिज में स्टोर करते हैं। तुम्हारे फेस पे तो आ रही है ना अभी, तुम्हारे फेस पर नहीं आएगी ना, मेरे फेस को यार कभी सभी देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं मेरे फेस को, मेरे फेस को लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, हम वैसे ही स्पॉट लाइट में रहते हैं। ठीक है, आज मैं ऐसे 50 टुकड़ियां लेके आया शैम्पू की। नो ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं, पता नहीं क्या लेकर आया, ये क्या है, संतरा है, इसकी हालत किस लगी, मैंने की है अच्छे से काटा हुआ है ना, ये काटा नहीं, इसकी हालत खराब हुई है, खा लो ना, खा लेती हूं अभी, खाओ, ठीक है खाती हूं। खट्टा खट्टा सा बहुत टेस्टी लगा, इसका पानी पी लेना, इसका ही है, नहीं रहने दो पानी, एक उठा लो कर दो, फ्रूट्स वाली है, नाइफ चाकू, सॉरी स्वाद गाइस, सैम ने आज अपना गिटार निकाला है, बहुत दिनों के बाद मन कर रहा था इसको। सैम ने आपने कब लिया था, अपनी फर्स्ट सैलरी से, जब मैंने फर्स्ट अपना सॉन्ग सेल किया, तो इतने वो क्यों होकर बता रहे हो, दुखी पागल हो, दोबारा बनता है ऐसे बनाओ इतना दुखी क्यों होकर बता रहे हो, क्या हुआ, किसने मारा, क्या और क्या यार, किसने, मैं बताता हूँ मैं क्यों दुखी हूँ, थोड़ी देर में रुक जाओ, लेकिन बता अच्छे से दो यार, हाँ, अच्छा नहीं लगता है। फर्स्ट सैलरी से दिया था, जब मैंने फर्स्ट अपना सॉन्ग सेल किया था ना, ठीक है, तो उस वक्त मैंने 5,000 का लिया था, ठीक है, इतना महंगा हो गया उसको लिए हुआ, मुझे क्या पता, मे बी 5 years हो गए, हाँ, 5 years, 5 to 6 years हो गए। और मैं पूछते रहते हैं बहुत लोग कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं गाने लिखता हूँ और सेल करता हूँ, ठीक है, क्या भाई सराने में से सराना निकला ये भी प्रेग्नेंट था, इसने बच्चे को जन्म दिया अभी अभी, ठीक है, बहुत हाँ, मैं तो अच्छे से बताता हूँ, मैं गाने लिखता हूँ, मैं सिंगिंग भी करता हूँ, ठीक है, आपने कभी आपने गाना तो हमें कभी सुनाया नहीं ना, मुझे आज तक कभी मुझे सुनाया, तुमको सुनाया नहीं गाना पता तुम्हारे ऊपर कितने गाने लिखे हैं मैंने, अच्छा, हाँ जी ठीक है, तुमको ही मालूम है, ये हर रोज एक रात को गाना लिख के भेजता होता है तुमको मैं, ठीक है, याद है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं याद, तुमको नहीं याद होगा कुछ भी, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो, आपकी शक्ल अच्छे से नहीं आ रही, और एज अ प्रोफेशन, हाँ जी, फ्रीलांसिंग, ओके, एंड एफिलिएट मार्केटिंग, ओके, इज माय बिजनेस, ओके, या, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे का बिजनेस फ्योना का है, आपको पता होगा, ठीक है, सोशल मीडिया, क्या बात है, मेरा भी कुछ मेरे बिजनेस में थे जी, जो थोड़े से मेरे बिजनेस मैंने क्लोज कर दिए अभी चलो, कौन सा बिजनेस, वैसे अच्छा अच्छा थे कोई, ठीक है, और इसके मतलब टिकटॉक जब इसने बनाना स्टार्ट किया था तो मैं ही इसकी वीडियोस बनाता होता था शुरुआत से, ठीक है, इसकी कामयाबी में मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा है शुरू से, इसलिए ऐसे बोलता रहता नहीं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ओके, अच्छे से सीखा है इसने शुरू से ही, थैंक्स, तो आज परफेक्ट हो गई है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, अभी ये खुद भी बना लेती है, सब कुछ कर लेती है, और मैं अपनी बात बता रहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग मेरा बिजनेस है,
और इस वक्त मैं YouTube पे भी कर रहा हूँ, आपको पता ही है कि ठीक है। बाकी ये भी इससे कुछ ऐसा नहीं है, इनकम वगैरह हो रही है, ठीक है। अगर भगवान ने चाहा तो हो सकती है फ्यूचर में, बाकी ये हमको शौक है बनाने का, ठीक है, वीडियोस बनाने का मेरे को भी शौक है। मैंने अभी इंस्टाग्राम ज्वाइन किया, आप लोगों को शायद पता होगा जिसने मेरी वीडियोस देखी होगी। और हाँ, मैं तो आपको आज वो बोलने वाली थी। नहीं नहीं बोलूंगी। बोल दो। नहीं कुछ नहीं। क्या बोलने वाली थी? कुछ नहीं बोलने वाली। हाँ, मैं बता रहा था कि इंस्टाग्राम पे भी अभी हूँ, मैं आया हूँ, आप लोग मेरी आई डी देख लेना जाके। मैंने कमेंट में भी किसी को बताया था। और हाँ, सब पूछ रहे थे कि हमारी इंस्टाग्राम आई डीज क्या है। फियोना अंडरस्कोर PV08 पंजाबी अकाउंट इनका, ओके। फियोना FINASHARMAA, ठीक है, फियोना शर्मा, ठीक है। ये है इनका हिंदी अकाउंट, और इनका जो ओल्ड अकाउंट है वो उसका आपको पता होगा, फियोना अंडरस्कोर शर्मा 1, ठीक है। और मेरा आईडी है कि sam.singh991। ऑल ओवर आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन इस टाइम ज्यादा एक्टिव हम इंस्टाग्राम और MX टकटक पे है, मौज पर भी है। हाँ, और मौज पे भी है। लेटेस्ट देखनी हो तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा जाए, क्योंकि उस पर हर रोज वीडियो आती है हमारी, जो बनाते होते हैं ना हम लोग, आपको ब्लॉग में देखते हो कि हम वीडियो बनाने लगे हैं, वो हमारी वीडियो इंस्टाग्राम पे ही आती है। सैम आज इतना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरे दिन आज दिखे नहीं, कहते मेरे को भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस में। अभी सबको क्लियर हो गया ना कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, ठीक है। सब लोग पूछते रहते हैं ना, क्योंकि मैं काम अपना रात को ही करता हूँ, क्योंकि मेरा मोस्टली जो काम होता है वो शांति में काम होता है। चलो फिर सैम, मेरे को भूख लगी, आ जाओ फिर हो गई बात है। गाइस, इन्होंने आज बहुत बोला इसी बात पर क्लैपिंग। चलो सैम, खाना डालकर लेकर आओ, मैं बैठती हूँ। फोन ले आया हूँ मैं, सब्जी डाल के। खीरा तुमने कट किया है, रोटी भी आ गई है, ठीक है, और फोन भी आ गया हमारी। अभी मैं खाना खा के आपको मिलते हैं गाइस। हाँ जी, क्योंकि मुझे भी भूख बहुत लगी हुई है। मेरे को तो खुद को, मैंने खाना खाया सुबह से जो तुमने परांठे दिए हुए हैं, उसके बाद बस वही खाया, वाटरमेलन मैंने। गाइस, मैंने आपको कहा था ना, मैंने एक बात बतानी है। मैंने ना फियोना से एक बात छुपाई है आज, मेरे से आज एक कांड हुआ है। कौन सा कांड हुआ है? एक बार इसको फोन को देखना, कवर खोल के देखो तो जरा, कवर खोल के देखो ना एक बार, पीछे से देखो। ये कैसे हुआ? एक्टिवा से गिर गया फोन, सारे खराब कर दिया। पैसे लगेंगे अब, गए पैंती का पैंती, बिंगा भी हो गया है। सीधा करवा दूंगा। कैसे गिरा? जेब से गिर गया। ऊपर से कुछ निकला भी या फिर इतनी जोर से? कैसे कैसे? पक्की सड़क पे थे। शाम आ गए, दो फोन है यार। एक मैंने पहले गिरा दिया था। बहुत अच्छी बात है। सॉरी क्या यार, ये ठीक थोड़ी होगा जो इसकी हालत है यार। नहीं, हो जाएगा ठीक, मैंने पूछ भी लिया है। कहाँ से पूछ के लाया? जो मेरा फ्रेंड है ना, जिससे हमने एटीएम से पैसे निकलवाते हैं अपने। हाय, मेरा फोन ये मेरे पास ही रहता है ज्यादा। मैं ठीक करवा के बिल्कुल इसको अच्छे से। यार उसका ये तो, ये थोड़ी आनी है सैम। आ जानी है ये थोड़ी है कि यार, जो भी है इसकी ये क्या? इतनी अच्छी शाइनिंग वाली ब्लू। हाँ, क्या बिल्कुल वही ओरिजिनल होगा, क्या फुल ओरिजिनल होगा। मैंने पूछा है, बोला कि मैं ओरिजिनल डाल के दूंगा। कैमरा बच गया? कैमरा सब कुछ फाइन है। कैमरा हो जाता फिर कैमरा चेंज करवाना पड़ता। अभी कैमरा? अभी ठीक है। पिछला? दोनों ठीक है। बिल्कुल भी नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक है। फोन तो बिंगा हो गया, ये कैसे सीधा होगा? ये तो खराब हो गया। बॉडी बिंगी हुई है, फोन नहीं बिंगा हुआ। ऐसे हो गया तो कहो ना क्यों तुम्हारे पास? सीधा ऐसे 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 पकड़ो ना इसको, देखो गाइस थोड़ा सा बिंगा हुआ है। गाइस मिनिमम सा है, पता नहीं चल रहा, सुबह पता लगता, ऐसे लगता ऐसे है। क्या? कुछ नहीं, सॉरी। और कोई ना, अब तो हो गया, सॉरी क्या? अब मैं ठीक करवा के दे दूंगा जल्दी आपको, एक दो दिन में। दो तो फोन है पास में, एक टूट गया, एक ही रह गया। कहीं जाओगे तो फिर मेरे पास क्या लेकर रहेगा? कोई फोन यही रहेगा आपके पास? हाँ, ये कब तक ठीक हो जाएगा? जो मैं तभी उसी वक्त ठीक करवा के लेके आऊंगा बैठ के वहां पे। क्या फोन था, क्या हालत बना दी सैम तूने। बहुत अच्छा फोन था प्यारा सा,
था भी महंगा 35,000 का। पहले भी गवा दिया, अब भी ये कांड कर दिया। तुम्हारे पास तुम मतलब फोन टिके नहीं रहते। सॉरी यार, सॉरी की बात थोड़ी होती है। अब मैं करवा के ठीक दूंगा तुमको। तीन हमारे पास पहले चार। आई प्रॉमिस तुमको मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारा आईफोन 13 14 प्रो मिल जाएगा। 13 14 भी तुमने तैसे ही उसकी हालत बनानी है जिसकी। मेरे से वैसे थोड़ी फोन टूटता है कोई। ये देखो आईफोन वैसे का वैसे ही है, न्यू करना है। अभी इसको भी करना है? नहीं, ये भी न्यू का न्यू था, वो गिर गया, वो बात अलग है। इसको मैं बिल्कुल अच्छे से, अगर मेरे को नई फोन मिला ना, मैं अपनी शक्ल मत दिखाना। सैम नहीं यार, कितना अच्छा यार, तूने हाल क्या बना दिया यार। तभी चुपचाप सा है शाम का, तभी मैं से ठंडा ठंडा सा बोल रहा था, तभी तो मैं से बोला नहीं जा रहा था। कितने पैसे लगे? उसके लगेंगे 1500 शायद कुछ। हाँ इतने कम तो मुझे नहीं लगता। नहीं बहन पूछा, बोल रहा था कि 1500 में बन जाएगी बात। वैसे सच एक बार मेरा भी फोन टूटा था, ऐसे था ना जो तुम्हारा ऐसा हुआ था। मेरा तो गार्ड भी नहीं चढ़ा था, मेरी तो स्क्रीन टूट गई थी। कितने में ठीक हुआ था? 350 में है? वो भी सर ने बोला कि ज्यादा ले लिया, मैंने तो 200 में करवा देना था। फिर तो कुछ भी नहीं पैसे लगेंगे, फिर 1000 भी नहीं लगेंगे। नहीं सच में यार। अच्छा मेरे को याद आ गया, जैसे तुम्हारे फोन भी महंगा है ना। मैं तुम्हें कहते हैं कि इसके पार्ट्स सस्ते ही हैं। नहीं सैमसंग के पार्ट्स महंगे होते हैं। सैमसंग का था मेरे पास फोन, जो मेरे पास नहीं था फोन प्लस टू में। हाँ सैमसंग का। हाँ जी पता ही है वो। हाँ अच्छा हाँ। फोन था सैमसंग के पार्ट्स, जो आपके वैसे अभी मेरे को याद आया, जो आपके ऐसे पीछे हुआ ना। हाँ। सेम ऐसे ही मेरा स्कूल कॉलेज टाइम था। तुम्हारा दूसरा कवर था वो ओपन हो जाता था। क्या मतलब ओपन हो? आपने बैग से टूटा था ना आपका कवर। मेरा बैग से थोड़ी टूटा था। अच्छा स्क्रीन टूट गई थी जैसे आपका ऐसे टूटा है जैसे। अच्छा स्क्रीन टूट गई थी आपकी पूरी पूरी ऐसे। हाँ जैसे आपकी ये गिर कर टूट गया। अच्छा 300 में पड़ गई थी। 350 में पड़, 350 जब 300 350 भी नहीं 300 में पड़ी थी। मुझे इतना ज्यादा है, उसने 350 तब लिए थे कि गार्ड विद गार्ड। अच्छा गार्ड भी चढ़ा कर दिया था मुझे। इतनी सस्ती? पता कि मेरी बात सुनो, वो भी दो तीन साल पहले नहीं होगी, 3-4 साल पहले, लेकिन हाँ सस्ती पड़ी थी। यस मेरे साथ एक और चीज बुरी हुई है, ये देखो दिख रहा है। हाँ, मैंने बताया नहीं आपको, बताया था नहीं। ये देखो बहुत खून निकला है इसमें से। रात के 3 बज रहे हैं और काका मेरा तो कब का सो गया था, 12 बजे सो गया था जी। थोड़ी देर बातें बुते करते रहे और उसने मेरे से मतलब गुस्से भी थी क्योंकि फोन मेरे से टूट गया ना इसका। सो अभी मैं व्लॉग एडिट करके ख़त्म किया है, अभी मतलब एंड करना बाकी था व्लॉग का। अभी इसको भी ऐड करके एडिट करके पूरा अपलोड करके मैं सो जाऊंगा। कल का कुछ प्लान्स हैं हमारे जाने के कहीं बाहर। सो कल का व्लॉग देखना मत भूलना। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही हमारे व्लॉग देखते रहिए, मज़ेदार व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट।